हूँ शहला निगार। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियां। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास कला और संस्कृति के क्षेत्र में। कला कलाकार के सोच और उसके विचारों और उसके अंतर्मन में चल रही उथल पुथल को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होती है। छोटे से चित्र के जरिए कलाकार बहुत कुछ कह जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के रफी मार्ग, जहां पर लगी है एक पेंटिंग प्रदर्शनी। कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला रूपों में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है रसात्मकता। मानवीय संबंधों और स्थितियों की विविध भावलीलाओं और उसके माध्यम से चेतना को कला उजागर करती है। अस्तु चेतना का मूल रस है, वही आनंद है जिसे कला उद्घाटित करती है। भारतीय कला जहां एक ओर वैज्ञानिक और तकनीकी आधार रखती है, तो वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस को सदैव जीवित बनाकर रखती है। नई दिल्ली के रफी मार्ग पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने सोलो प्रदर्शनी फ्यूज अनफ्यूज का आयोजन हुआ। चित्रकार पंकज कुमार सक्सेना की ये प्रदर्शनी हमारे नैतिक मूल्यों और आधुनिक तकनीकियों का समावेश है। जो मेरा काम देखेंगे, इस काम के अंदर दो तरीके की शैलियों का मिश्रण है। एक तो है जो मॉडर्न शैली है और एक रियलिस्टिक शैली है। तो कॉन्सेप्ट जो आइडियाज के बीच है वो ये है कि हमारी पुरानी कोर, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो वैल्यूज है उनका, और जो मॉडर्न जो एज जो टेक्नोलॉजीज है, जो मॉडर्न एक्सपोजर है, उसको मैंने मिक्स करा है। तो अगर आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो उसके अंदर रियलिज्म भी है और इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का भी है। तो मैं शैली को बोलता हूँ फ्यूज्ड अनफ्यूज्ड। It is much, but much नहीं भी है। जैसा कि चित्रकार की शैली फ्यूज्ड अनफ्यूज्ड से ही प्रकट होता है, इसमें नारी के विभिन्न भाव, भावनाओं और रूपों को प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनी एक्रेलिक माध्यम से बने हुए चित्रों की प्रदर्शनी है। ये इस प्रकार का फ्यूजन है जिसमें आधुनिक एवं परंपरागत चित्रकला शैली का अनोखा मिश्रण है। शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग।